प्रशासन ने ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के माध्यम से शुरू की जैविक खाद्य प्रक्रिया। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और राज्य सरकार के मिशन निर्मल बांग्ला पहल के तहत ग्रामीण बंगाल के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए गांवों से विघटित हो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा को एकत्र किया जाता है और ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र और अन्य प्रक्रियाओं में ले लिया जाता है। हरिश्चंद्रपुर एक नंबर ब्लॉक प्रशासन में जैविक खाद समेत अन्य कार्य शुरू हो गए हैं। सोमवार दोपहर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हरिश्चंद्रपुर एक नंबर ब्लॉक के भिंगल ग्राम पंचायत के रामचंद्रपुर क्षेत्र से अपशिष्ट पदार्थ एकत्र कर ठोस में जमा किया। हरिश्चंद्रपुर एक नंबर ब्लॉक के संयुक्त BDO विप्लव कुमार घोष, पंचायत विकास अधिकारी बिल्टू सरकार, कार्यकारी अब्दुल्ला चौधरी, प्रमुख वर्षा बसाक ने प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ गांव में घूम घूम कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। তো মহিলা গ্রাম থেকে সব প্লাস্টিক প্লাস্টিকের সব বর্জ্য পদার্থ সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে, এগুলো নাকি প্ল্যান্টে গিয়ে পুরানো হবে, সেগুলো পুড়িয়ে একটা নতুন ধরনের কেমিক্যাল কিছু তৈরি করে যায় না। যাক, এই রকমের বর্জ্য পদার্থ যদি গ্রাম থেকে পরিষ্কার হয় তাহলে গ্রামের দূষণমুক্ত থাকবে এবং পরিবেশ একটা ভালো প্রকল্প হচ্ছে, এটার জন্য খুব খুশি আমরা। এবং যে যারা এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত নিয়ে এসছে তাদের জন্য আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমরা গ্রামের তরফ থেকে এটুকুই আমার মৃত্যুঞ্জয় দাস, বাড়ি ভিঙ্গল।